अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के नेतृत्व में छोटे से बड़े अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है तथा अपराध से अर्जित की हुई संपत्ति को जांच कराने के बाद जब्त भी किया जा रहा है, जिसके संबंध में SSP दिनेश कुमार पी ने बताया कि ऑपरेशन 50 के तहत चिन्हित अपराधियों के 15 साल का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जो सुधर गए हैं उनको किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जा रहा है, केवल उन्हें थाने बुलाकर हस्ताक्षर कराया जा रहा है जो अपराध में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार ऑपरेशन तमंचा के तहत कठोर कार्रवाई कर अवैध हथियारों के शौकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे अपराधों व अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए पुलिस लगातार काम कर रही है, ये आपको दिख भी रहा होगा कि तमाम अनवरत घटनाएं वर्कआउट हुए हैं, तमाम अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, तमाम अपराधी पकड़े गए हैं, इनामिया भी पकड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन 15 के तहत हम लोग जितने भी चिन्हित अपराधी हैं, लूट डकैती विद हत्या, भाड़े पे हत्या, चोर नकबजन, वाहन चोर, चेन स्नैचर, इन सबके पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। इनकी 15 साल की रिपोर्ट निकाल के इनके फोटोग्राफ्स और इनके मोडस ऑपरेंडी और इनके सहयोग देने वाले सबको चिन्हित कर रहे हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो सुधर गया उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बट हाजिरी लगवा रहे हैं, बाकी जो फरार है उनके पीछे हम पकड़े। इसके साथ साथ ADC जोन महोदय के द्वारा ऑपरेशन तमंचा भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पब्लिक के माध्यम से सूचना प्राप्त कर जो भी अवैध असला बरामद कर सकते हैं उन्हें बरामद कर और असला के सोर्स तक हमको पहुंचना, इस संबंध में हम लोग पूरी तरह से सतर्कता से कार्रवाई कर रहे हैं। इसी बीच में जो लाइसेंसी बंदूक की दुकान, कारतूस बेचने वाले, इन सबकी वेरिफिकेशन भी हो रहा है।